दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर भी आने वाले कुछ ही दिनों के बाद वोट डाले जाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के एक और बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। आप सभी जानते होंगे, तमिलनाडु में अगर अभी बात करें तो बीजेपी एनडीए की सरकार है, एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव होगा तो ये सरकार क्या आगे कंटिन्यू रहेगी या फिर इस बार कांग्रेस और डीएमके यानी यूपीए गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर रख पाएगा, इसका एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है और इसमें जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी की इन आंकड़ों से नींद उड़ गई है। हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने पिछली बार तो सरकार बना ली, लेकिन इस बार क्या होगा? ये जो सर्वे किया गया है इसके आंकड़े हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोट शेयर की, कि किसके खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है। यूपीए कांग्रेस डीएमके दोनों के अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक 46% वोट इनके खाते में जा रहा है, जबकि एनडीए बीजेपी एआईडीएमके और बीजेपी के खाते में 34.6% वोट जा रहा है। एमएनएम के खाते में 4.4%, एएएमके के खाते में 3.6%, वहीं अन्य के खाते में 11.4% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर हम सीटों की बात करते हैं, क्या इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सर्वे के आंकड़े जो कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। इस बार 234 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और डीएमके यानी कि यूपीए के खाते में 173 से 181 सीटें जा सकती हैं, ये ओपिनियन पोल बता रहा है। जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो एआईडीएमके और बीजेपी और अन्य के खाते में 45 से 53 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करते हैं एएमके तो इनके खाते में 1 से 5 और अन्य 0 से 4 सीटें इनके खाते में जा सकते हैं। यानी कि एक और राज्य बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है, और यही एक राज्य अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दो राज्य असम और तमिलनाडु में ही बीजेपी की सरकार है, और तमिलनाडु में तो पूरी तरह से बीजेपी का क्लीन स्वीप कांग्रेस और डीएमके करती हुई दिखाई दे रही। आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।